चालू नहीं है साहब। देख बॉस, आज मना मत कर। चलो फिर, ये मेरी आज की आखिरी सवारी होगी। कहाँ जाना साहब? इजाजत है? वैसे मैं अपनी गाड़ी में अलाउड नहीं करता साहब, मगर अगर ये तुम्हारी आखिरी सवारी है। जाना कहाँ है साहब? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव, चलो। पहले वहीं काम करता था साहब, मरीन ड्राइव पर चाय और चने बेचता था। फिर शादी हो गई, इसने घर चलाने में काफी साथ दिया मेरा। आप वहीं रहते हैं साहब? रत्तम घुट रहा है यहाँ पे। माय हेड इज लाइक, सांस लेने जा रहा। अगर आप चाहो तो मुझे फॉरगेट, समझ नहीं पाओ। कभी कभी अनजान लोग अपनों से ज्यादा समझदार होते हैं सर। ऑल राइट, मेरा नाम मनीष है। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एट एशियन कॉर्पोरेट ग्रुप। साल के 40 लाख रुपए कमाता हूँ। टू अ ब्यूटीफुल वाइफ, टू अ वंडरफुल डॉटर एंड और एक नाजायज रिश्ता भी है। बहुत सालों से टैक्सी चला रहा हूँ साहब, बहुत कहानियां सुन चुका हूँ। कब से चल रहा है? आई डोंट नो। फर्ज करो तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहे हो, तभी तुम्हारे पास एक पार्सल आता है जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जिसमें तुम्हारी बीवी एक आदमी के साथ, तुम्हारे खुद के भाई के साथ। क्या सोचा है साहब? इसमें एक गोली है, फैसला ये करना है कि इसे शीतल को मार दूं या खुद को।
क्या हुआ? गाड़ी यहाँ क्यों रुक दी? साहब आपको एक किस्सा सुनाना है, आप में और मुझ में, हम दोनों में काफी फर्क है। कुछ साल पहले एक लड़का अपने गांव से बंबई आया था, यहाँ आके उसने तरह तरह का काम किया, फिर उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया। वो आदमी उस लड़की से बेहद प्यार करता था साहब, फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो आदमी टैक्सी चलाने लगा। उस आदमी का सिर्फ एक ही सपना था कि उसे एक वारिस मिले, एक बेटा। पर उसकी बीवी जिससे वो आदमी बेहद प्यार करता था, उसने बोला कि वो कभी मां बनना ही नहीं चाहती। साथ थोड़ा मिलेगा? तुम तो अपनी गाड़ी में। मैंने बोला ना साहब, ये तो आखिरी सवारी है। तो आगे क्या हुआ? सबने बोला कि दूसरी शादी कर लो, पर वो आदमी नहीं माना क्योंकि वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। एक शाम वो घर जल्दी लौटा और उसने देखा कि उसकी बीवी जिससे वो बेहद प्यार करता है अपने पड़ोसी के साथ बिस्तर गरम कर, वही बीवी जिसके लिए उसने अपना सबसे बड़ा सपना भुला दिया। तो तुम क्या कह रहे हो कि प्यार की खातिर उसे अपनी बीवी को माफ कर देना चाहिए? सॉरी बॉस, मैं शीतल को माफ नहीं कर सकता। द फक, क्या था ये? घबराओ मत साहब, ये वही बीवी है, मेरी बीवी। क्या मतलब? वो क्या है ना साहब, कि आपकी तरह पहले मैंने भी सोचा था कि इसे जान से मार दूँ या खुद को, फिर सोचा कि साला साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर तो सकते, क्योंकि मैं आज भी इससे बेहद प्यार करता हूँ साहब। और एक बात बोलूँ साहब, वैसे मेरी कोई संतान नहीं है, पर इतना समझता हूँ कि एक बच्चे के लिए बाप से ज्यादा उसकी माँ है ना, फिर वो चाहे कितनी कमीनी क्यों। ओपन द डोर। आई सेड ओपन द डोर। अब आप यहाँ आई गए हैं तो आपकी बेटी पर भी एक एहसान कर देते। ओपन द फकिंग डोर। मैंने कहा था ना सर, ये तो मेरी आखिरी सलाह।